है कि चालाक होने में और बुद्धिमान होने में काफी फर्क होता है। तरबूज वाले अंकल ने वाकई में बिजनेस करने का एक तरीका समझा दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप वाकई में अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आजकल की जनरेशन अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, और वो चाहें तो किसी को भी पानी पिला सकते हैं, और ओल्ड जनरेशन वाले तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो चलो एक कहानी सुनते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे कि समझदार कौन है। तो हुआ कुछ यूं कि एक बूढ़ा सा आदमी अपने एक ठेले पे तरबूज बेच रहा था, और उसके लिए उसने ठेले के सामने एक बोर्ड लगा रखा था, और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के। ठीक है, अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा, और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए और बोला एक तरबूज दे दो, क्योंकि एक तरबूज 30 रुपए का था। उसने फिर से 30 रुपए दिए और बोला एक और तरबूज दे दो। अंकल ने दे दिया, फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो। अंकल ने फिर दे दिया, फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो, मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल बिजनेस बिजनेस धंधा वंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहे तो एक तरबूज खरीदने आए थे वो एक तरबूज खरीद के निकल सकते हैं, या फिर सीधे भी निकल सकते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस सिखाने के लिए और मुझे अनपढ़ साबित करने के लिए वो मुझसे 3-3 तरबूज खरीदते हैं। तरबूज वाले अंकल ने वाकई में बिजनेस करने का एक तरीका समझा दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप वाकई में अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपसे लॉयल रहें, आपकी शॉप पर बार बार आते रहें और कहीं ना जाएं, तो एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। हमेशा आप कोशिश करिए कि आपका कस्टमर दिमाग में ये सोचे कि उसे माल सस्ते में मिला है और वो जीत गया है, और आपने उससे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया है। जब कस्टमर दिमाग में जीता हुआ महसूस करता है ना, तो वो आपकी शॉप पर बार बार आएगा, और यही तरबूज वाले अंकल ने भी किया। उन्होंने इसीलिए अपनी दुकान के आगे वो बोर्ड लगाया ताकि हमेशा लोग ये समझें कि वही सबसे समझदार है और अंकल बेवकूफ है। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, देखिए ऐसा है कि चालाक होने में और बुद्धिमान होने में काफी फर्क होता है। चालाक इंसान को ये अहंकार हो सकता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन एक्चुअली वो बुद्धिमान होता नहीं है, क्योंकि वही अहंकार उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। एक बात याद रखिएगा, भले आज आप लोग न्यू जनरेशन में आते हो, लेकिन एक दिन आप भी ओल्ड जनरेशन हो जाओगे और नई जनरेशन आएगी। इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर स्मार्टनेस। हाँ।